marvelous? अभी होता है इसलिए इनके पास सिर्फ वर्तमान है अगर अतीत है तो विजात्माओं से भरा है असमानताओं से भरा है नाराजियों और गुस्सों से या अपमान से भरा है दलित बहुत यानी अतीत बहुत गर्व करने लायक नहीं उन्हें वर्तमान में संभावनाएं दिखाई देती हैं उनका सारा संघर्ष अपने वर्तमान जीवन को सुधारने और भविष्य के लिए तैयार करने मैं सुशीला जी को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ या धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस वर्तमान अपने बहाने उन्होंने इस दलित स्त्री के वर्तमान को चित्रित करने की कोशिश की है उसके भीतर के जो दंश और तकलीफ हर क्षण हर पल बल्कि से ये भी कहा जा सकता है इस आत्महत्या को ये सवर्ण समाज में एक दलित महिला की निरंतर अपमान बोध की कहानी है ये अपमान उनका साथ कभी नहीं छोड़ता समझ सम्मान का न होना जब वो अनपढ़ थी तब भी और जब पढ़ लिखकर पीएचडी होगी तब भी ये एहसास उन्हें बना रहा या करा दिया जाता रहा दूसरों के जरिए कि वो उनके बीच नहीं वो उनसे बाहर थी वो हमेशा दूसरी बनी थी यानी जो एक अगर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में वो मुख्य व्यक्ति धारा में शामिल नहीं हुई इस तकलीफ को उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ देखा है ईमानदारी के साथ देखा है और लगभग दोहराव का जोखिम लेते हुए भी उसे बार बार दोहराया है बाकी तो बहुत विस्तार से बात है करने की गुंजाइश है जो मैं नहीं करूंगा और मैं कहूंगा कि एक बहुत ही सशक्त संभावनाशील आत्मकथा का प्रारंभ है आगे और भी सृष्टि आएंगी और वो आत्मकथाएं अलग होंगी ये मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि दलित आत्मकथाओं के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि सबका अतीत लगभग एक जैसा है कोई स्कूल में भेदभाव कोई धर्म वो इतना ज्यादा रिपीटेटिव लगता है कि लगता है कि वो आधी आत्मकथा को छोड़कर अब वो क्या सबके संघर्ष और किन द्वंद्वों है उसको समझा जाए तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की स्थितियों से बचते हुए नई आत्मकथाएं ज्यादा सशक्त होंगी और ज्यादा प्रेरणादायक होंगी कम से कम ये आत्मकथा इस तरह की आत्मकथा लड़ने की और संघर्ष की एक अदम में जुझारू संघर्ष की प्रेरणा तो मिली धन्यवाद